तो लगभग जी 2.5 घंटा चलने के बाद जो है हम लोग पहुंच गए हैं यह मरवा के प्रसिद्ध शिव मंदिर में। वो घंटी बजाएगा। झालमुरी यहाँ बन करके आ चुका है, देख सकते हैं गरम गरम कचरी सब यहाँ पर बनाने वाला है ये, और क्रियांश जो है अपना तबाही मचा रहा है यहाँ पर। यहाँ से जी अभी बचा हुआ है 2.5 किलोमीटर और हम लोग को लगा था कि तुरंत वहाँ से पहुँच जाएंगे सोनवर्षा से हम लोग, लेकिन जब यहाँ आ रहे हैं तो देख रहे हैं थोड़ा चलने में दिक्कत आ रही है। असल में कच्ची सड़क रहता है यहाँ पर, मिट्टी का रहता तो लगता है शायद उतना दिक्कत नहीं होता चलने में, लेकिन यह जो रोड है इसके ऊपर लगता है कि गिट्टी जो ट्रेलर लोड करके जाता है तो वो गिट्टी सब तो छिड़क जाता है, तो शायद लगता है वही सब गिट्टी छोटा छोटा सब जो है जो पैर में चुभ रहा है, तो उसी चुभन की वजह से स्पीड नहीं चल पा रहे हैं। और वैसे कह सकते हैं जी हम लोग को आदत भी नहीं है यहाँ चलने का, यह भी एक कारण है क्योंकि हम लोग से जो भी पीछे से आगे आ रहे हैं देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं दिख नहीं रहे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं, और हम लोग वहीं के वहीं हैं, तो आराम आराम से चल रहे हैं, कोई बात नहीं जी, ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाएंगे और बाबा के दर्शन कर लेंगे। हाँ, और यार मम्मी चल रही है आगे आगे ऊपर, बाबू को लेके गई है रिया, सच में क्रियांश भी है हाथ में, तो भी एकदम मजे में चल रहे हैं। उन लोगों को अब कहा कि हम लोगों के लिए नहीं रुकना, आप चलते रहो, अच्छा है कि वो लोग मंदिर जा करके जो है अपना दर्शन कर लेंगे और हम लोग तब आराम से पहुंचेंगे, तब तक क्रियांश को पकड़ करके रखेंगे, ठीक है, तो चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए और देख रहे हैं कि क्रियांश जो है उतर गया, नहीं रहेगा गोदी में यार, हे डांस कर रहा है रोड पे, वही क्रियांश, जय 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 जय। A few moments later. तो हम लोग चल रहे हैं जी यहाँ से अंदर और यहाँ से मुश्किल से 1400 मीटर है, तो चलते हैं सीधा। तो लगभग जी 2.5 घंटा चलने के बाद जो है हम लोग पहुँच गए हैं यह मरवा के प्रसिद्ध शिव मंदिर में, जिसको बोला जाता है ब्रजलेश्वर धाम। तो हम लोग चलते हैं जी अंदर, अंदर चल करके जल ढार करते हैं, काफी अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे फाइनली बाबा के द्वार। और जी यहाँ की हालत देखते हैं क्या है। क्या हाल है, पहुंच गए, ठीक है। तो आखिरी का जो हम सोच रहे थे कि 2.5 किलोमीटर थोड़ा सा होगा लंबा, लेकिन वो जल्दी पहुंच गए क्योंकि रोड थोड़ा ठीक मिला, कच्ची सड़क मिल गया यहाँ पर, नहीं तो पूरा रोड में वो था छोटा छोटा गिट्टी था, वही थोड़ा चुभ रहा था हम लोग। सावन का मेला जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो देख सकते हैं धीरे 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 सारा पंडाल यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गया है। सभी लोगों ने पूजा कर लिया जी, जल ढार कर लिया और अच्छे से बहुत ही शांति से हम लोगों की पूजा हो गई, तो काफी अच्छा लगा और सभी को लग गई है भूख, तो यहाँ पर बैठ गए हम लोग खाने के लिए। तो यहाँ पर झालमुड़ी और समोसा मिलता है, ओए तुम क्या खाएगा, झालमुड़ी समोसा, मैं दूधू पी लिया, सबसे पहले दूधू पिया, दूधू पिया है, हाँ पोटी किया, दूधू पिया, सब किया, सब हो गया यहाँ पर इसका, उसे क्रियांश का गोद में रहना नहीं है, घूमना है यहाँ पर, चलो हाँ घूमो, घूमना है, ओए हमारा झालमुरी यहाँ बन करके आ चुका है, देख सकते हैं गरम गरम कचरी सब यहाँ पर बनाने वाला है ये, और क्रियांश है अपना तबाही मचा रहा है यहाँ पर, क्या ले रहा है, मिट्टी ले रहा है क्या, ये मिट्टी निकाल रहा है शायद ये। 20 minutes late. तो सभी का पूजा पाठ हो गया, नाश्ता पानी सब कुछ हो गया यहाँ पर, और अब बारी है घर जाने की। तो हम लोग आए हुए थे 5 बजे और घर लौट रहे हैं हम लोग 9 बजे करीब, तो 4 घंटे में हम लोगों का पैदल आकर के पूजा करना और उसके बाद जो है खाना खाना, खाना क्या खाया जी, बस तो हल्का फुल्का नाश्ता किया, तो यहाँ से चल रहे हैं।
1 hour later. अभी क्रियांश खेल रहा है कुछ बच्चों के साथ. ये गॉड है. ये देखो इली. क्या इली नीचे देखो इली. क्या है मिट्टी में खेल रहा है क्रियांश आज पूरा. इली गई. ये देखो गई इली. पैर में चलेगा. हाथ में दो. हाथ में उठाओ. हिला दिया ऐसे करके. ये चल गया. आहा। आहा। क्रियांश को मिट्टी में छोड़ दिया गया है कि क्रियांश अच्छे से खेले. है क्रियांश? हाँ बोलो बोलो बोलो. तो इधर में क्रियांश नहीं नहीं चलेगा. जय कर रहा है. दे चलो क्या जय हो गया. चलो 2 hours later. तो हम लोग फिलहाल चल रहे हैं जी बाहर घूमने के लिए. शाम का समय हो गया. सोचा कि घर में बैठे बैठे क्यों समय बिताया जाए. बगल का जो बगीचा है हम लोग बगीचा चले जाते हैं. और उधर क्रियांश आए कर रहे हैं. इसको कहने लिए जय. मौसी के हाथ में इसको मजा आ रहा है. मौसी गोद में. ठीक है चलते हैं. तो हम लोग पहुंच गए हैं जी बगीचा में. और देख सकते हैं जी कितना अभी खुला खुला सा है यह बगीचा. और अभी यहाँ पर जो है कोई भी फसल इस समय नहीं उगाया जा रहा है. बस खाली देख रहे हैं कि खेत को जो है अच्छे से जोत दिया गया है. यहाँ पर क्या क्या उगता है? यहाँ पे गाय के लिए घास उगाया. अच्छा गाय सब के लिए यहाँ पर घास उगाया जाता है. तो प्रॉपर घास के लिए यह जो जमीन है इनका है. और दूसरे साइड देख सकते हैं जी उधर है पूरा आम भरा हुआ. एक छोटा सा पेड़ है. इसके अलावा उधर भी ढेर सारा पेड़ है. तो उधर हम लोग चलेंगे. और लीची का पेड़ देख सकते हैं कितना सारा है. लेकिन बहुत सारा है. ये तो थोड़ा पूरा लीची भरा हुआ है. इधर हम लोग इधर आए जहाँ पे खाली स्पेस है ताकि आप ड्रोन उड़ा पाए. तो उधर तो बहुत है. कोई बात नहीं. तो कुछ लेते हैं ड्रोन का फुटेज. जामुन का पेड़ गिरा है. जामुन का पेड़ गिर गया एकदम आंधी में. ओ भाई साहब बड़ा अफसोस हुआ. लेकिन अच्छा खासा जामुन होता होगा इसमें. और अब जो है यह पेड़ गया. और भी है. लेकिन उधर कौन जाएगा बीच में. और क्रियांश इधर आ गया. दे ये भी खुश है एकदम. क्रियांश को आम दिखाते हैं. एम दे दे दे. अच्छा हमको लगा जय बोल रहा है ये. ओए होए ओए क्रियांश चले हम लोग घूमते हैं आगे. तो यहाँ पर है आम का पेड़ देख सकते हैं जी. और ढेर सारा आम का पेड़ है एक एक करके वहाँ पर. और यहाँ खाली स्पेस में देख सकते हैं अच्छा खासा घास उग रहा है. और वह सब जो पेड़ है वह है एमसोल का पेड़ जिसका जो है शायद फर्नीचर में यूज होता है. जल्दी से हम कुछ ड्रोन का फुटेज लेते हैं. पूरा बगीचे का एक ड्रोन से ले लेते. ठीक है. पतिदेव दौड़ रहे लैंड करवाने के लिए. हो गया. तो अभी हम लोग चलते हैं अब क्योंकि इन्होंने लेट कर दिया था आने में. अगर ये दिन में आते तो आपको और भी अच्छे तरीके से हम सब कुछ दिखाते. बहुत सारा पेड़ है आम का जो कि देख सकते हैं. इधर तो कम है उस साइड ज्यादा है. भरा पूरा है. इधर तो खाली है इसलिए हम लोग इधर आए. इन्होंने इतना लेट कर दिया. इसमें घास लगता है. घास लगता है गाय के लिए. चलिए क्रियांश तो ऊपर चला गया है रिया के साथ. और इसके बगल में गंगा नदी भी है देख सकते हैं जहाँ की कॉल आई थी है ना नहाने के लिए. और इस रिमोट का जो है बैटरी ज्यादा नहीं था. हाँ. इस वजह से हमें थोड़ा और अंधेरा भी हो गया ना. आ जाता अंधेरे में भी इतना मैनेज हो सकता था. हाँ, क्वालिटी काफी अच्छा है इसका. लेकिन इसका दिक्कत क्या है कि बैटरी नहीं था. हाँ. बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता ये ड्रोन से. हाँ. बस दिक्कत हो जाता. फिर कनेक्ट करने में दिक्कत होती है. और पीछे का व्यू देख सकते हैं काफी अच्छा है. सनसेट हो रहा है. और उधर क्रियांश रिया के साथ क्या कर रहा है. क्या कर रहे हो भैया. जे जे कर रहे हो. जे जे कर रहे हो. यहाँ पे एक मंदिर भी है देख सकते हैं. जय किया आपने. जय कर लिया. चलिए आप